पहला भव नैसार का हमने कल देखा कि जिस भव में सुपात्र दान देकर सम्यक्त्व का बोधि रत्न नैसार ने प्राप्त किया और नैसार का जीव धर्मी बन गया। व्रत नियम उसके जीवन में आदरने लगे और इसी के साथ धर्मयुक्त जीवन जीता हुआ नैसार का जीव यह जो है समय के साथ काल धर्म को प्राप्त हुआ और वह सौधर्म कल्प का एक सागरोपम के जीव वाला देव बना। यह देव भव उसका सौधर्म कल्प का दूसरा भव माना जाता है। पहला भव नैसार का, दूसरा भव सौधर्म कल्प के देव के रूप में दूसरा भव जिसका आयु था एक सागरोपम का। यदीर की महावीर की कथा सुनाने जा रहे हम देश को शांति मधुरता का संदेशा दे रहे। कृपा करो कृपा निधि महावीर गौतम प्रभु मेरे गुरुदेव तपसी गणेश बाबा मेहर में है हम तेरे उपकारी गुरुवर आप भाती सिंह सी साहस भरी आशीष बरसाती सदा गुरुनी किरण करुणामयी वैराग्य दात्री विशाला जी विशाल बोधि बन रही अंतर से नित नित नव सृजन की प्रेरणा वह दे रही वरदान दो विद्या निधि वरदाय शारदा सरस्वती घट घट में निःसृत हो कथा महावीर की यह गुण स्तुति घट घट में निःसृत हो कथा महावीर की यह गुण स्तुति। इस प्रकार से महान रिद्धि को प्राप्त करके देव भव के अनगिनत आयुष्य का उपभोग नैसार के जीव ने किया और अपने सम्यक्त्व के साथ में नैसार यह तीसरा भव मरीचि के रूप में भरत चक्रवर्ती के पुत्र के रूप में वह जन्म ले रहा है। भरत चक्रवर्ती अर्थात आदिनाथ ऋषभदेव भगवान के पुत्र तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती उनके यहाँ पुत्र के रूप में इस भगवान महावीर के जीव ने जन्म लिया और जिसके शरीर से किरणें निकल रही थी उजास निकल रहा था इसलिए उसका नाम रखा गया मरीचि। और यह मरीचि जो है इतने ऐश्वर्य समृद्धि से युक्त और ऋषभदेव भगवान के स्वस्थ और दीर्घायु सरल और सभी प्रकार से साता अनुकूलता जहां पर है ऐसे परिवार के अंदर में इस मरीचि के जीव का जन्म होना यह उसके अत्यंत पुण्यवाणी का क्या है उदय था। और यह मरीचि भरत चक्रवर्ती के पुत्र के रूप में पलने बढ़ने लगा। और कहा जाता है कि जब आदिनाथ भगवान का प्रथम समवशरण लगा और आदिनाथ भगवान ने पहली देशना दी उस देशना को सुनकर कुमार अवस्था में इस मरीचि को वैराग्य प्राप्त हुआ और यह आदिनाथ का पौत्र अर्थात पोता मरीचि आदिनाथ भगवान के पास भी दीक्षित हो गया और उसने संयम अंगीकार कर लिया। संयम लेकर आदिनाथ भगवान के साथ में मरीचि अब ग्रामानुग्राम विहार करता है कड़ी से कड़ी संयमचर्या का पालन करता है और इस प्रकार से लंबे समय तक उसने इस कड़े संयम का पालन किया।
परंतु कहा जाता है उपादान उपादान जैसा होता है वैसे निमित्त पात्र वहां पर प्राप्त होते हैं। उपादान कहो मरीचिका कि उसका पतन होना था, अतः ग्रीष्म ऋतु के कड़े ऐसे उष्णता में मरीची को व्याकुलता विह्वलता उद्विग्नता होने लगी और गर्मी के तपन के मारे वह झुलसने लगा। शरीर के अंदर में इतनी गर्मी प्रचंड पैदा हो गई कि वह उसके सहन शक्ति के परे हो गई और मरीची ने मन ही मन संकल्प किया कि श्रवण धर्म की इस कड़ी कसौटी में अब मैं नहीं जी सकता, अतः मैंने इसमें से कुछ सहूलतें अपने लिए रखना चाहिए, क्योंकि संयम धर्म को छोड़कर वह पुनः गृहस्थ वेश धारण करना नहीं चाहता है और कड़े संयम का निर्वाह भी उससे नहीं होता है, क्या किया जाए। अतः उसने मध्यम मार्ग निकाला और यह मरीचि जो है अब सर पर छत्र रखने लग गया, त्रिदंड हाथ में रखने लग गया कि मन वचन काया के अशुभ व्यापार के कारण से मैं दंड का अधिकारी हूं, अतः उसके प्रतीक के रूप में वह त्रिदंड भी हाथ में रखने लगा। पैर के अंदर में वह चमड़े की जूतियां काष्ठ की जूतियां पहनने लग गया और श्रमण परंपरा के साधु जो नग्न हुआ करते थे वह लज्जा परिषह से निजात पाने के लिए वह कपड़े भी पहनने लग गया और इस प्रकार से मरीचि अब जो है अपने जीवन को व्यवस्थित रूप से जीने लग गया। और यह बात नहीं है कि मरीचि ने इन बातों को छिपाया या उससे लज्जा का अनुभव करके कुछ कपट किया, वह अपने इन दोषों के प्रति वह सरल मन से आने वाले जो भी आगंतुक होते थे उन्हें कह दिया करता था, क्योंकि वह आदिनाथ भगवान के साथ साथ ही रहता था, उन्हीं के साथ वह विहार करता था, उन्हीं के साथ में उसका जो है निर्वाह हो रहा था। अतः कोई यदि आगंतुक आकर पूछते थे, लोग आकर पूछते थे कि भाई आदिनाथ भगवान के अन्य संत में और आपके जीवन शैली में इतना फर्क क्यों है, वह तो नग्न है और तुम्हारे देह पर रंग बिरंगे कपड़े हैं, तुम्हारे पैरों में जूते तुमने पहने हुए हैं, सर पर छत्र है, त्रिदंड को धारण किया है, चंदन आदि उबटन लगाया हुआ है। तो मरीचि यह बात सरलता से कह देता था कि इतने कड़े नियमों का पालन मेरे से नहीं हो रहा है, अतः यह सब कुछ जो है मैंने अपने सुविधा के हिसाब से मैंने कम कर दिया है, जितना मैं यथाशक्ति पाल सकता हूँ वह मैं पालन कर रहा हूँ। इस प्रकार से मरीचि जो है सरलता से अपने जीवन के व्यंग को कबूल करता है और सरलता से वह अपना जीवन यापन कर रहा है। भगवान आदिनाथ के सभी संतों के साथ में वह भी रह रहा है, वह भी सभी प्रकार के विहार और बाकी भी परिचर्या को वह अपने अनुसार जी रहा है, परंतु उसने भगवान आदिनाथ के समूह को छोड़ा नहीं, संघ को छोड़ा नहीं, उन्हीं के साथ है। यह बात जानने योग्य है, समझने योग्य है। चाहे तो आदिनाथ कह सकते थे कि मरीचि तुम मेरे साथ रहने के योग्य नहीं हो, तुम मेरे जैसा संयम निर्वाह नहीं कर रहे हो, मेरे संत अलग तरह का जीवन जीते हैं और तुम एक अकेले अलग तरह का जीवन जीते हैं, तुम्हारी अलगता तुम्हारी भिन्नता यह पता हो रही है, अतः तुम हमारे सिंघाड़े से पृथक हो जाओ, भगवान आदिनाथ कह सकते थे, परंतु आदिनाथ भगवान ने भी ऐसा नहीं किया। तो हम समझ सकते हैं कि आदिनाथ भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि आदिनाथ भगवान मरीचि के जीव की भव्यता को समझ रहे हैं, जान रहे हैं और वह उसके आने वाले उज्जवल परंपरा को देख रहे हैं, अतः उन्होंने कभी मरीचि को गलत नहीं कहा, अपने साथ रहने से इनकार नहीं किया और साथ ही साथ उन्होंने मरीचि को कभी भी भर्सना युक्त शब्द नहीं कहे और मरीचि ने भी कभी अपने धर्म को श्रेष्ठ नहीं बताया और अपने जीवन शैली को उसने औरों से विपरीत होते हुए भी अपने आप को श्रेष्ठ बताने की कोशिश नहीं की। दोनों की भी यह रुजुता थी, सरलता थी और मरीचि के पास जो कोई भी आता मरीचि उसे
प्रतिबोध देता, उपदेश देता है और वह आदिनाथ अरहत धर्म के प्रति मन के अंदर में इतने भाव और भक्ति भर देता कि जो भी वहां पर संयम लेने के लिए अपने आप को प्रेषित करता है तो मरीचि उन्हें आदिनाथ भगवान के पास में भेजता है, उनके पास आरहती दीक्षा लेने के लिए, संयम ग्रहण करने के लिए प्रेरणा देता है। और इस प्रकार से अनेकों को प्रेरणा देकर मरीचि ने संयम ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। यह मरीचि की सरलता है, यह मरीचि की अपनी निस्वार्थ भावना है, निस्पृहता है कि उसने अपना कोई स्वार्थ नहीं देखा, जो सत्य था, जो योग्य था उसका चयन करने के लिए वह अपनी ओर से प्रेरणा देता था। और इस प्रकार से आदिनाथ भगवान ने भी कभी मरीचि की निंदा नहीं की कि वह शिथिल है, शिथिलाचारी है, उसके अंदर में जीवन की सुविधा के प्रति मोह है और वह अपनी सुविधा के उपभोग के लिए वह ठीक से संयम का निर्वाह नहीं कर रहा है, यह बात कभी आदिनाथ भगवान ने भी नहीं कही। यह सब बातें बताती है कि व्यक्ति को गुणग्राही होना चाहिए। आदिनाथ भगवान भी गुणग्राही थे, उन्होंने मरीचि के जीवन के गुणों को देखा, उसकी उपेक्षा नहीं की और मरीचि ने भी आदिनाथ भगवान के अरहत सत्य धर्म को जाना और उन्हीं की प्रेरणा देते हुए वह दीक्षा का बोध देने वालों को आदिनाथ भगवान के पास में भेज दिया करते थे। यह इस प्रकार से बहुत अच्छे से जो है अपना तालमेल बिठाए हुए यह मरीचि आदिनाथ भगवान के साथ में विहार यात्रा कर रहा है और अपनी संयमचर्या का पालन कर रहा है। किसी समय में वनिता नगरी के अंदर में समवशरण लगा हुआ था और यह वनिता नगरी भरत चक्रवर्ती की है। वह अपने परिवार समेत अपने पिता के ऋषभदेव भगवान के दर्शन वंदन हेतु परिवार के साथ में समवशरण में पहुंचे हैं और भगवान की देशना सुनने के पश्चात में भरत चक्रवर्ती जो है आदिनाथ भगवान ऋषभदेव के पास में गए और उन्होंने ऋषभदेव भगवान से पूछा, हे भगवान, क्या इस समवशरण में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी तरह ही अरिहंत होगा, तीर्थंकर होगा और ऐसे महान रिद्धि को प्राप्त करेगा? कोई ऐसा जीव इस समवशरण में है? और आदिनाथ भगवान ने, जो कि अंतर्यामी थे, त्रिलोकीनाथ थे, उन्होंने भरत चक्रवर्ती से कहा, भरत, तुम्हारा पुत्र जो मरीचि है वह आने वाले समय में इस अवसर्पिणी काल के 24वें तीर्थंकर के रूप में उत्पन्न होने वाला है, साथ ही वह प्रथम वासुदेव त्रिपृष्ठ का भव भी प्राप्त करेगा और प्रथम चक्रवर्ती प्रिय मित्र के नाम से भी वह जाना जाएगा। इस प्रकार से यह जीव जो है मरीचि का वह तीर्थंकर की आत्मा है। और यह बात जब आदिनाथ भगवान के द्वारा भरत चक्रवर्ती ने सुनी तो भरत चक्रवर्ती बहुत प्रसन्न हुए, प्रमुदित हुए, आनंदित हुए कि ओहो, मेरा पुत्र मरीचि इस योग्य है कि वह इस 24 का अंतिम तीर्थंकर होने वाला है। मन ही मन में स्तुति भाव, अहो भाव भरत चक्रवर्ती के जागा है और वह मरीचि को यह सुखद समाचार सुनाने के लिए समवशरण के बाहर जहां पर मरीचि रुका हुआ था वहां पर जा पहुंचे और उन्होंने मरीचि से यह वृत्तांत जब कहा तो मरीचि को बड़ा आनंद हुआ और भगवान के प्रति उसके मन में अहोभाव था, परंतु भगवान ने जो भविष्य भाकित किया कि वह 24वां तीर्थंकर वर्धमान होने वाला है, सात ही त्रिपृष्ठ नामक वासुदेव और प्रिय मित्र नामक चक्रवर्ती भी होने वाला है, यह बात सुनकर हर्ष विभोर हो उठा मरीचि। हर्ष विभोर हुआ तब तक तो बात ठीक है, परंतु उसके आगे अपने आप के प्रति यह सब मिलने वाले पदों को देखकर अपने स्वयं के प्रति गौरव का अनुभव करने लग गया और यह गौरव सोच ही सोच में एक गर्व बन गया, एक अभिमान बन गया। मरीचि के मन में यह बात आ गई कि ओहो, मेरी आत्मा कितनी भव्य है कि वह
एक साथ में तीन तीन पदवी को प्राप्त करने वाली है, त्रिपृष्ठ वासुदेव, प्रिय मित्र चक्रवर्ती और तीर्थंकर महावीर। तीन तीन उत्कृष्ट पद को मैं प्राप्त करने वाला हूँ और साथ ही साथ मेरे पिता चक्रवर्ती, मेरे पिता मह अर्थात मेरे दादा यह तीर्थंकर आदिनाथ, मेरी मेरा कुल कितना उज्जवल है और कैसा श्रेष्ठ यह संयोग है कि तीन पद आज मेरे कुल के अंदर में है और तीन पदों को मैं प्राप्त करने वाला हूँ। यह जो है स्वयं के प्रति जो स्तुति का भाव, प्रशंसा का भाव, अभिमान बन गया, गर्व बन गया, मान बन गया और यही पतन का कारण है। कहा जाता है संसार के अंदर में आदमी शराब का नशा पचा सकता है परंतु गर्व का, मान का नशा, प्रशंसा का नशा वह पचा नहीं पाता और यही होता है कि वहां पर जाके वह पतन के गर्त में गिरने लगता है, उसका अधपतन होने लग जाता है क्योंकि मान यह सभी दुख का कारण है। कहा जाता है आठ प्रकार से आदमी मद करता है, अभिमान करता है, मद अर्थात अभिमान, आठ प्रकार के मद कहे जाते हैं। उसके अंदर में बताया जाता है कि आदमी कितनी बातों का मद करता है, तो कहा जाता है जाति मद, कुल मद, बल मद, रूप मद, तप मद, लाभ मद, सूत्र मद और ऐश्वर्य मद। आठ प्रकार का मद अर्थात आठ प्रकार का अभिमान व्यक्ति करता है और इन आठ अभिमान के चलते हुए व्यक्ति अपना अधपतन करता है। और इस प्रकार से मरीचि ने भी अपने कुल का मद किया, कुल अर्थात अपना पितृपक्ष, जाति अर्थात मातृपक्ष, तो उसने अपने कुल का अभिमान किया कि मेरे पिता चक्रवर्ती, मेरे दादा जो है तीर्थंकर ऋषभदेव और मैं आगामी भविष्य का 24वां तीर्थंकर, इस प्रकार से अपने उज्जवल कुल का उसने अभिमान कर लिया। सचमुच में मरीचि का कुल बड़ा उत्तम था, आदिनाथ ऋषभदेव भगवान के परिवार के अंदर में दुख का नामो निशान नहीं था, सरलता थी, प्राज्ञता थी, रुजुता थी, ऐश्वर्य था, संपत्ति थी और 108 हाथ का देहमान था, ऊंचाई थी, वज्र ऋषभ नाराज संगयन था, रूप था, बल था, सभी प्रकार की प्रचुरता जीवन के अंदर में जहां उपलब्ध थी। कहा जाता है इस प्रकार से 150 पीढ़ियां जिसकी शुद्ध होती है वहां तीर्थंकर की आत्मा जन्म लेती है। साधारण से घरों में तीर्थंकर की आत्मा जन्म नहीं लेती, 150 पीढ़ियां जहां पर शुद्ध होती है, तो ऐसी 150 पीढ़ियां जिस ऋषभ देव आदिनाथ की शुद्ध होगी वहां पर आदिनाथ तीर्थंकर का जन्म हुआ और उन्हीं के पौत्र कहलाए मरीचि। तो ऐसे कुल का मरीचि ने क्या कर लिया, अभिमान कर लिया। अभिमान करके वह जो है जमीन पर हुंकारता हुआ अपने पैरों से पछाड़ कर उछल उछल कर लोगों से कह रहा है, आहा हा मेरा कुल कितना भव्य दिव्य है, कितना गौरवशाली है कि इस प्रकार से तीन तीन उत्तम पद मेरे इस कुल में है और मैं स्वयं अंतिम तीर्थंकर होने वाला हूँ। इस प्रकार से आने जाने वालों के पास में वह शेखी बघार रहा है और इसी अभिमान के चलते हुए इस मरीचि ने नीच गोत्र का बंध कर लिया। इसलिए कहा जाता है जीवन के अंदर में आपके पास में ऐसा बहुत कुछ नहीं है जो आपसे छूटने वाला नहीं है, जो कुछ मिला है सोचना है कि यह तो सब कुछ यही पर छूटना है, फिर उसमें फूलना क्या। आदमी दुख के अंदर में रोलने लगता है और सुख के अंदर में फूलने लगता है और यही कारण होता है कि वह कभी भी स्थित प्रज्ञ नहीं होता है। आदमी ने स्थित प्रज्ञ होना है और अपने जीवन के अंदर में कभी भी गर्व को धारण नहीं करना है, अभिमान को धारण नहीं करना है। अभिमान करने से, आठ प्रकार के मद करने से निश्चित तौर से जीव पतन के कगार पर पहुंचता है। मान को तज दे तू मानव, मान जीन वचन,
मान को तज दे तू मानव मान जीन वचन धार ले जो विनय को तो स्थिर होवे मन मान को तज दे तू मानव मान जीन वचन जाति कुल अच्छे मिले तो काम अच्छे कर काम अच्छे कर रूप बल के सहारे से तू पीड़ पराई हर पीड़ पराई हर तप का मद तप का मद तज के तू कर ले आत्मगुण मेरा मन मान को तज दे तू मानव मान जीन वचन ज्ञान जल से शुद्धि कर लो ज्ञान मद को टाल ज्ञान मद को टाल लाभ हो जो भाग्य से तो प्रेम से ले संभाल प्रेम से ले संभाल बाहरी बाहरी ऐश्वर्य से बेहतर है आत्म धन मान को तज दे तू मानव मान जीन वचन आठ मद का त्याग करके विनय गुण ले धार विनय गुण ले धार कर्म बंधन से बचे भव जल से होवे पार भव जल से होवे पार पाए आनंद पाए आनंद मुक्ति का वह छूटे जन्म मरण मान को तज दे तू मानव मान जीन वचन मान को तज दे तू मानव मान जीन वचन इसलिए मान को तज दे और जीन वचन पर श्रद्धा रखते हुए हमने कभी भी अभिमान नहीं करना है अपने ऐश्वर्य का अपनी संपत्ति का अपने रूप का अपने तप का यहाँ तक कि धर्म आराधना करते हुए भी आदमी अभिमान करता है गर्व करता है कि मैंने तो इतने सूत्र पढ़ लिए मैंने तो इतना तप किया मैंने तो इतना संयम निर्वाह किया और धर्म के मार्ग पर भी वह अभिमान करके पतन की गर्त में जाते हैं। तो भाई यदि आप धर्म कर रहे हैं तो कम से कम उसका तो मान मत करो। लोग अपने पंथ का मान करते हैं अपने गुरु का मान करते हैं अपने संप्रदाय का मान करते हैं अपने गुरु परंपरा का मान करते हैं। मुझे कहो मान करके मरीची जैसा तीर्थंकर की आत्मा कहलाने वाला जीव भी पतन के मार्ग पर चला गया और संसार भव भ्रमण क्रोड़ा क्रोड़ी सागरोपम का जिसने बढ़ा लिया साधारण नहीं क्रोड़ा क्रोड़ी सागरोपम का संसार परिभ्रमण मरीची ने बढ़ा लिया नीच गोत्र का बंध करके। तो इस प्रकार से हमने जानना है कि हमें मान नहीं करना जीवन इस प्रकार से यापन करते हुए और आने जाने वाले लोगों को आदिनाथ भगवान के अर्हत धर्म का दिशा बोध देते हुए यह मरीची अपना जीवन यापन कर रहा है। किसी समय में यह मरीची जो है व्याधि और रोगग्रस्त हो गया और आसन्न इस प्रकार से वह रोग के अंदर में ग्लान हो गया कि उसकी सेवा शुश्रूषा करने वाला भी कोई नहीं था।
क्योंकि जो संयति होते हैं वह संयति की ही सेवा शुश्रूषा करते हैं और संयति की नहीं करते हैं। अब जब परिव्राजक हो गया था मरीचि अर्थात अर्हती दीक्षा छोड़कर वह परिव्राजक सांख्य मत वाला बन गया था, अतः उसकी सेवा शुश्रूषा कौन करेगा। भले ही वह भगवान आदिनाथ के सिंघाड़ों के साथ में रहता था परंतु साधुओं के द्वारा उसकी कोई परिचर्या न होने के कारण से उसका मन ग्लानी से भर गया, दुख से भर गया कि ओहो मैंने इस सिंघाड़े में रहकर इनके प्रति हमेशा मेरे मन में गुणानुराग रहा है, मैंने हमेशा अर्हती मार्ग को ही मैंने सच्चा और अच्छा मार्ग बताया, परंतु आज मेरे रोग में आज मेरे व्याधि में किसी ने मेरी सेवा शुश्रूषा नहीं किया और इस कारण से उसका मन उद्वेलित हुआ और उसने संकल्प किया कि जब मैं इस रोग से मुक्त हो जाऊंगा मैं अपने स्वयं के लिए शिष्य बनाऊंगा ताकि मेरी भी कोई सेवा शुश्रूषा कर सके। और हुआ भी ऐसे, जब यह रोग मुक्त हुआ तो मरीचि ने अपने स्वयं के लिए अब उपदेश देना प्रारंभ किया। कहा जाता है कपिल धर्म नाम का एक राजकुमार जो है मरीचि के पास में आया, मरीचि के प्रतिबोध से उसे वैराग्य आया और उसने मरीचि से पूछा आप जो संन्यास का पालन करते हैं क्या वह श्रेष्ठ है या आरहती धर्म का श्रेष्ठ है। अब मरीचि के मन में स्वार्थ जगा और स्वार्थ के चलते हुए उसने कहा दोनों में भी धर्म है। उसने भगवान के धर्म को गलत नहीं कहा और अपने धर्म को श्रेष्ठ नहीं कहा, परंतु एक शब्द उसने जो है माया युक्त यहां पर उपयुक्त किया है और वह है कि दोनों में भी धर्म है। और इस प्रकार से छोटी सी बात को गलत प्ररूपित करने के कारण से कहा जाता है कि संसार परिभ्रमण यहां पर भी मरीचि ने बढ़ा लिया और कपिल धर्म नाम का वह राजकुमार जो है यहां पर मरीचि का शिष्य बन गया और सांख्य मतवादी बनकर वह भी अपनी शिष्य परंपरा को बढ़ाता हुआ सांख्य मत की प्ररूपणा करने लग गया और इसी के साथ में मरीचि का भव भ्रमण बढ़ने लग गया क्योंकि उसने यह सत्यता छिपा दी कि आरहती धर्म यह सत्य धर्म है। और इस प्रकार से मरीचि अपने कहा जाता है 83 लाख पूर्व की आयु को उपभोग करता हुआ वह काल धर्म को प्राप्त हुआ और वहां से वह ब्रह्म देवलोक नामक 10 सागरोपम की आयु वाला देव बना है। यह मरीचि का जीव जो ब्रह्मदेव लोक में 10 सागर की आयु वाला देव बना है अभी वह देव बना है परंतु उसने नीच गोत्र का बंध किया है, इस कारण से आने वाले भव उसके बिगड़ने वाले हैं। इस प्रकार से भगवान महावीर के 27 भव में से यह मरीचि का 3रा भव, ब्रह्मदेव लोक का 4था भव और अब आने वाले 5वें भव को हम कल के दिवस में देखेंगे और यह जानेंगे कि जीवन के अंदर में आदमी ने सरल गुणग्राही रुजुभूत होना चाहिए। आप चाहे जितना तप करते हैं, आप चाहे जितना धर्म का पालन करते हैं, आप चाहे जितनी क्रिया का पालन करते हैं, परंतु आपकी आत्मा के भाव परिणाम कितने विशुद्ध है, आप की आत्मा कितनी निकट भवी है यह तो कोई केवली ही जान सकता है। अतः बाहर की वेशभूषा को बाहर की छद्मस्थता को देखकर आप किसी के जीवन का आकलन नहीं करना है और किसी की निंदा नहीं करना है, किसी के बाहरी परिवेश को बाहरी वर्तन को देखकर अपना मन मलिन करके उसके प्रति उपेक्षा का भाव न रखते हुए हम भी गुणग्राही बनेंगे और निश्चित तौर से जीवन में कभी भी हमारे जो भी हमें अच्छाइयां मिली है जो भी हमें अनुकूलताएं मिली है उसके लिए हम कभी मद नहीं करेंगे मान नहीं करेंगे और जीवन में धर्म को प्राप्त करते हुए सरलता से गुणग्राहकता से हम भी हमारा जीवन यापन करेंगे और भगवान महावीर के इन कथाओं को सुनते हुए हम भी जीवन में चिंतन मनन करते हुए
संसार सागर को पार करने के लिए हम भी योग्य और पात्र बनेंगे। इन्हीं मंगलमय मनीषाओं के साथ में ओम शांति शांति बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।